इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत पढ़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में, और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समय अनुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। पंच परमेष्ठी भगवान की, उत्तम संयम धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, 10 धर्मों के अंतर्गत उत्तम क्षमा मार्दवार जब शौच और सत्य धर्म का ज्ञान करने के बाद में आचार्यों ने उत्तम संयम धर्म का उल्लेख किया है। प्रथम दिन आपको एक बात कही थी, धर्म 3 लक्षणों के साथ गुजरता है। एक सूत्र वाक्य भी बोला था, धम्मो मंगल मुक्तिष्ठम अहिंसा संयमो तवो। धर्म को मंगल कहा गया है और धर्म को मंगल बनाने के लिए या उस मंगलमय धर्म को प्राप्त करने के लिए 3 उपाय बताए गए हैं, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा के बाहरी और भीतरी रूपों के विषय में आपसे चर्चा की जा चुकी है। भीतरी रूप में मुख्य रूप से जो क्रोध आदि कषायों का अभाव है, वह भी एक अहिंसा की ही परिणति है। अंतरंग में अहिंसा धर्म का होना इन कषायों के अभाव में ही होता है। यही निश्चय रूप से अहिंसा कहलाती है, भाव अहिंसा कहलाती है। इस भीतरी अहिंसा के होने पर ही बाहर की अहिंसा संभव होती है, जिसे हम दया धर्म के रूप में कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति दया धर्म का पालन करे और भीतर से कसायों की तीव्रता के साथ जिए। अगर ऐसा करता भी है तो उसका वह धर्म धर्म के रूप में नहीं बनता है, वह एक दिखावा हो सकता है। दया आदि धर्मों का पालन करना, जीवादि का रक्षण करना, ये कसायों की मंदता पर ही संभव है। अहिंसा का यह प्रारूप क्रोधादि कषायों के साथ मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है और भाव रूप में जब ये अहिंसा आत्मा में प्रतिष्ठित होती है, तभी उसके अंदर जीव दया आदि के भाव उत्पन्न होते हैं।
धर्म के ये दोनों ही रूप, भीतरी और बाहरी, ये हमें अहिंसा के माध्यम से ज्ञात होते हैं। पिछले दिनों में हमने इसी अहिंसा के बारे में जाना, इसी अहिंसा के बारे में सुना, और जो क्षमा आदि धर्म थे ये सब इसी अहिंसा के ही परिपूरक थे। अगर हम भीतरी उस भाव अहिंसा की बात कहते हैं तो उसमें न क्रोध होता है, न मान होता है, न माया होती है, न लोभ होता है। चारों कसाई के अभाव में जो अंतरंग की शांति और शांति वाली जो परिणति बनती है, यही भाव अहिंसा कहलाती है। इसी भाव अहिंसा के बारे में अक्सर लोग चर्चा किया करते हैं, और जब भी आप सुनते हैं कि धर्म तो भावों से होता है, बाहर कुछ भी क्रिया करने से क्या होता है, तो ये जो कहा जाता है यह इसीलिए कहा जाता है कि धर्म भावों से होता है, तो हम जो क्रोध आदि की कमी से क्षमा आदि भावों का अपने अंदर जो सृजन करते हैं उसका नाम धर्म होता है। कई बार आपने ये सुना होगा, बच्चे अक्सर कहा करते हैं, धर्म तो भावों का नाम है, अच्छे भावों का नाम है, और भावों से किए गई कोई भी चीज़ है वो धर्म है, इसलिए हमें कोई बाहरी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो भीतरी धर्म का ही महत्व जानते हैं, हम उसी को करेंगे। तो ये जो बच्चों का कहना होता है, इतना तो है कि चलो कम से कम उन्होंने समझा कि धर्म भीतरी होता है। बच्चों की ये समझ अच्छी है और उन्हें कहीं ना कहीं ये सुनने को मिला, सीखने को मिला कि धर्म भावों से होता है, ये बात यथार्थ है, सत्य है। उस भाव को बनाने के लिए हमें कुछ प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अगर बच्चे ये समझते हैं कि भाव हमारे पास में हैं और हम अच्छे भावों के साथ में जी रहे हैं, तो ये भी उनकी एक अहंकारता का भाव भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि उनके अंदर अहंकार का भाव हो, लेकिन जब हम उन भावों के बारे में अपनी मानसिकता नहीं बनाते हों, मानो हम कभी क्षमा के बारे में विचार ही नहीं करते, हमारे अंदर भी क्रोध उत्पन्न होता है, हम अहंकारी भी बन जाते हैं, हमें पता नहीं पड़ता है, कब हम किस तरह के फ्रॉड कर लेते हैं वो हमें एक संज्ञान में नहीं आता है, और लोभ तो कितना हो जाता है वो हमें पता नहीं है, किन किन चीज़ों का लोभ हो जाता है बच्चों को, खाने पीने का लोभ होता है, पहनने ओढ़ने का लोभ होता है, गाड़ियों में घूमने का लोभ होता है, तरह तरह के इंजॉय करने का जो एक लोभ होता है, ये लोभ कैसा है। जब बच्चों को ये चीज डिटेल से समझ में नहीं आती, तो बच्चे जब भी कभी इस तरह की बात बोलते हैं अपने माता पिता से या बड़ों से, तो थोड़ा सा झुंझला करके बोलते हैं। झुंझला करके बोलने का मतलब क्या? धर्म हमें नहीं करना, हमें पता है धर्म क्या होता है, तुम जो कर रहे हो वो धर्म नहीं है। ये जब स्टाइल में बोलने का, जब बच्चों के अंदर एक एक्सप्रेशन दिखाने का जो ये भाव आता है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के भीतर की उस कसाई को बताता है जो अहम के साथ पोषित हो रही है, और ये होता है। आप ये सोचें कि बच्चे ने कभी भी अहिंसा के उस भीतरी रूप को तो जाना नहीं। किसी भी बच्चे को किसी माता पिता ने कोई भीतरी क्रोधादि कषायों के अभाव के बारे में तो समझाया नहीं। बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ, उसे बाहरी क्रियाओं से चिढ़ पैदा हो गई, और उस चिढ़ का कारण है कि उसे बाहरी क्रियाओं को करने में ऐसा समझाया गया है कि ये सब क्रियाकांड है और ये सब अपने अपने धर्म की अपनी अपनी क्रियाएं होती हैं, इनसे कोई धर्म नहीं होता है। तो बच्चों के लिए ये जो
पढ़ते समय ही ये चीजें जो समझा दी जाती हैं, चर्चा में आ जाती हैं, कुछ फिल्मों में भी आ जाती हैं, उन्हें देखकर के बच्चों के दिमाग में चढ़ जाता है कि बाहर से कोई धर्म नहीं होता है, धर्म तो भीतर से होता है। ये ज्ञान तो उनका सही है कि धर्म भीतर से होता है, इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा कि बाहर की क्रियाएं करते रहो और भीतर के धर्म का पता ना हो। लेकिन उन बच्चों के साथ ये पता नहीं होता कि अगर भीतर से धर्म होता है तो वो धर्म भी कैसे होता है। भीतर से भी तो धर्म करने के लिए हमें कुछ विचार तो करना पड़ेगा, कुछ थ्योरी सीखनी तो पड़ेगी, कुछ हमारे अंदर वो भावना तो आनी पड़ेगी कि भीतर से हमें लगे कि हाँ हमारे अंदर धर्म का भाव आ रहा है। अगर आपको गुस्सा भी आ जाता है मम्मी पापा पर, आप अपने अहम में अच्छे कपड़े पहन करके अच्छी अच्छी स्कूटियों पे घूमने के लिए तैयार रहते हो, लोभ करने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, जो चीजें देखो उसी पे आपका मन चल जाता है, और उस लोभ की पूर्ति करने के लिए आप किसी को धोखा देने को भी तैयार हो जाते हो, और बाहर से बिल्कुल शुद्ध बने दिखाई देते हो। धर्म तो भीतर से होता है, होता तो है, कर रहे हो क्या, ये पूछ रहा हूं। उन बच्चों से जो बहुत जल्दी झुंझलाते हैं, बहुत जल्दी इस तरीके का रिएक्ट करते हैं, धर्म तो भावों की शुद्धता का नाम है, है तो है, क्या आपके भाव बिल्कुल शुद्ध हो गए? आपके अंदर क्षमा, मार्दव, हार्जव, सुचिता, पवित्रता, सत्यता सब कुछ प्रतिष्ठित हो गई है? अगर आपके अंदर ये सब कुछ आ गया है तो फिर बस आप ही बैठ जाओ सामने, आपकी पूजा कर ली जाए। धर्म को भी प्राप्त करने का कोई साधन तो होगा। पिछले 4 या 5 दिनों में हमने जो सीखा वो इतना ही सीखा, धर्म भाव प्रधान है, अहिंसात्मक है, दया भाव क्षमा भावों के साथ चलने वाला है, शांति के भाव और शांति के भाव हमारे अंदर रहने चाहिए। अगर ये बातें बच्चों को समझ में आ जाती हैं तो यहां से भी एक अगला प्रोसेस शुरू होता है। आज 6वां दिन है, ये 6वें दिन से एक प्रोसेस शुरू होता है। उस धर्म को करें तो करें कैसे? अभी तक हमने जाना, और जानने के बाद में अगर हमारे अंदर ये भाव आया कि हाँ हमें धर्म करना चाहिए या धर्म हमारे अंदर आना चाहिए, तो वो धर्म आपकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी में दिखाई देगा। ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे भीतर भावों में धर्म रहे और हमारी बॉडी में, माइंड में, हमारी स्पीच में कहीं पर कहीं कोई धर्म का कोई भाव ना दिखाई दे? आप अगर भीतर से धार्मिकता के साथ में अपने मन को बनाए हुए हैं तो आपकी एक्टिविटी जरूर कुछ ना कुछ संयमित होगी। अहिंसा के बाद संयम का नंबर आता है, इसलिए आपको यह समझना होगा कि अहिंसा एक विचारात्मक पद्धति है। भीतरी अहिंसा जिसे हम क्रोध आदि कषायों का अभाव कहते हैं, यह एक वैचारिक परिणति है, और जब यह विचार हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है तब हम करें तो क्या करें, वो करने के लिए अपने आप हमारे अंदर से भाव बनेगा, और जो भाव बनेगा उसी का नाम होगा अगला स्टेप। धर्म के 3 रूप बताए जा रहे हैं आपको, एक अहिंसा, एक संयम और एक तप। आज किसका दिन है? संयम का। ये संयम अहिंसा और तप के बीच में है, ये बिल्कुल क्रम है। ये यूं नहीं है कि गाथा कुछ भी लिखनी पड़ती है तो वो किसी भी तरह से सेट करने पड़ते हैं शब्दों को, ऐसा नहीं है। ये सब बिल्कुल सैद्धांतिक तरीके से पिरोए गए शब्द हैं बड़े बड़े आचार्यों के, और ये गाथा तो गणधर परमेष्ठी तक की कही जाती है, प्रतिक्रमण पाठ में मिलती है। अहिंसा, संयम और तप। आपने मन में विचार कर लिया कि हमारे अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए, इसका नाम धर्म है।
ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? आपने मन में विचार कर लिया कि भावों का नाम धर्म है। कौन से भाव का नाम धर्म है आपको पता है? लोभ भाव का नाम धर्म है कि संतोष भाव का नाम धर्म है? आपको संतोष होता है कि नहीं होता है? आपने सोच लिया कि भावों का नाम धर्म है। कौन से भाव का नाम धर्म है? मन में कुछ और रखना, वचन में कुछ और बोलना, काया से कुछ और करना, इसका नाम धर्म है? या बिल्कुल मन वचन काय से सरल जीवन जीना, इसका नाम धर्म है? तो जब आपके भीतर कोई धर्म का भाव आएगा, भावों से जब आप धर्म करेंगे, तो वो धर्म आपके जीवन में भी दिखाई देगा। और जब दिखाई देगा तो उसी से ये अगला स्टेप तैयार होगा। अहिंसा के बाद में संयम का क्रम इसीलिए रखा गया है। अगर आपके परिणामों में क्रोध आदि की कमी हुई है, आप में लोभ की कमी हुई है, आपने अगर सत्य को समझा है, आपके अंदर अगर मान अहंकार आदि की कमी हुई है, तो आपके एक्टिविटी में संयम अवश्य दिखाई देगा। वो संयम और कोई चीज नहीं है, सेल्फ कंट्रोल का नाम ही संयम है। इसे हम कंट्रोलिंग ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। सिर्फ कंट्रोलिंग है ये। और जब हम कंट्रोल करते हैं तभी पता पड़ता है कि हमें जो सिखाया गया है वो हमारे अंदर से कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेटा, धर्म में ही जीवन है और जीवन में ही धर्म है। इस तरीके से जीवन को बनाओ कि जीवन धर्ममय हो और धर्म ही हमको जीवन दिखाई दे। अगर जिस दिन धर्म ना दिखाई दे, ऐसा लगे कि जीवन बेकार हो गया, वो क्षण खराब हो गए, वो पल खराब हो गए, वो समय व्यर्थ हो गया जिस समय पर हमने जीवन में धर्म नहीं देखा, ये अगर मानसिकता बनती है तो धर्म जीवन में आता है। बच्चों की मानसिकता में यह भाव है कि धर्म अलग किसी क्रियाओं का नाम है और जीवन एक अलग तरह से जीने की पद्धति का नाम है। मैं चाह रहा हूं कि बच्चे सीखें कि जीवन और धर्म अलग अलग नहीं है। जीवन बिना धर्म के नहीं चल सकता है और धर्म बिना जीवन के भी नहीं चल सकता है। कितना अच्छा हो कि हमारे जीवन में धर्म हो, हमें धर्म अलग से करना ना पड़े, हर समय पर हमारे दिमाग में धर्म हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर आप समझो कि हर समय पर हमारे दिमाग में धर्म होगा तो फिर हम जीवन का एंजॉय कैसे करेंगे। जीवन का एंजॉय धर्म के साथ भी होता है। वह एंजॉय जो आपके लिए वास्तव में भीतर से जॉयफुल बना दे, जो भीतर से आपको हमेशा चीयरफुल रखे, ऐसा एंजॉय अगर आप करोगे तो धर्म के साथ ही होगा। और इस लाइन से अगर आप हट जाओगे तो वह एंजॉय आपके जीवन में हो तो जाएगा लेकिन जिंदगी भर आपको कसोटता रहेगा। जिंदगी भर आपको किसी ना किसी रूप में अंदर से आपकी भावनाओं को दबाने के लिए वो तैयार हो जाएगा और आप भीतर से जीवन भर हंस नहीं पाएंगे, भीतर से प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। बच्चों के लिए यह समझ में आना बहुत जरूरी है कि एंजॉय का मतलब क्या है। मस्ती करना, मस्ती तो बच्चे भी करते हैं, लेकिन जब हम बड़े होकर के मस्ती करते हैं तो उस मस्ती में कुछ गलती भी कर जाते हैं। और वो गलती जब हम बड़े होकर के उस गलतियों के बारे में जानते हैं या जब हमारे सामने हमारी फैमिली आ जाती है तो उस समय पर वो गलतियां हमने जो अपने पिछले जीवन में की थी उनका बड़ा भारी पश्चाताप तब होने लग जाता है। जीवन में एंजॉय करने का मना नहीं है। धर्म कभी भी एंजॉय करने के लिए मना नहीं करता है। अगर धर्म में एंजॉय नहीं होता तो शायद सबसे बोरियत लाइफ हमारी होती। आपको दिखता है कि मैं कभी बोरियत में रहता हूं? आपको दिखता है कि मैं कभी अपने जीवन के साथ में एंजॉय नहीं करता हूं? किस चीज का नाम है एंजॉय करना?
अगर आपको यह लगता है कि एंजॉय करने का नाम है हमें माता पिता खुला छोड़ दें, हम कुछ भी करें, आप कुछ भी कर तो लोगे, लेकिन उस करने के बाद में आपको पछतावा होगा, वो पछतावा आपकी जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब ये बात आपको कैसे समझाई जाए कि इस पछतावे से हम कैसे बचें? तो आचार्य कहते हैं हमेशा हमें करने योग्य कार्य को करना चाहिए और नहीं करने योग्य कार्य को नहीं करना चाहिए। संयम हमेशा हमें करने योग्य कार्य को बताता है और असंयम का मतलब है कि हम उस करने योग्य कार्य से अपने आप को बचाएं। अगर धर्म हमारे जीवन में आ रहा है, धर्म हमारे भावों में आ रहा है, तो हमारे मन वचन काय में भी वह धर्म आएगा और वो जो धर्म का दिखेगा कि मन वचन काय में आ रहा है उसी का नाम संयम है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों के लिए सिर्फ यही समझना है कि हमें क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। अगर ये चीज भी उन्हें ऐसा लगता है हमें ये मना क्यों किया जाता है, हमें इन चीजों से रोका क्यों जाता है, तो भाई ये चीजों के माध्यम से ही जीवन चलता है। आप बताओ जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर कुछ करने या नहीं करने के बीच में कोई एक लिमिट नहीं होती है या कोई एक लाइन ऑफ सेफ्टी नहीं होती है? ऐसी कौन सी जगह है? आपके फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड ने कहा कि चलो आज पार्टी में चलते हैं, एंजॉय करने चलते हैं। आप चले गए क्योंकि आपको कोई रोकने वाला नहीं था, या वो ऐसा टाइम था जब आपके सामने कोई आपके बड़े नहीं थे जो आपको रोक पाते, आप फ्रेंड की बातों में आ गए, आप चले गए पार्टी में पहुंचे। अब आज अगर कोई भी पार्टी होती है तो उस पार्टी में क्या होता है आप ये बताओ? वहां पर आपको ब्रांडी मिलेगी, विस्की मिलेगी, कोई कोला और पेप्सी भी नहीं मिलेंगे वहां पे। आप वहां जाकर के क्या करोगे? अब आप पहुंच गए वहां पर, खाने को क्या मिलेगा? अगर किसी में कोई अच्छी फेवरेबल कोई स्मेल आ रही हो और कोई अच्छा कोई मसालेदार जायका कोई लगी हुई चीज हो और आपके सामने रख दी जाए और आपने पूछा भी ना हो कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिश, ये भी अगर आपने नहीं पूछा और आप लग गए खाने, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो कबाब भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आप अगर ये नहीं सोचेंगे कि क्या करने योग्य और क्या नहीं करने योग्य, तो आपकी गाड़ी फिर ठुक गई। समझ में आ रहा है? अब गाड़ी क्या से ठुकी? आप बच्चों के साथ में या अपने दोस्तों के साथ में चले तो गए, एंजॉय कराए, और उस एंजॉय करते समय आप भूल गए सब थे, इतने सारे बच्चे कर रहे हैं मस्ती, हमको भी करना है, ये पी रहे हैं हमको भी पीना है, ये खा रहे हैं हमको भी खाना है, खा लिया, पीना था सो पी लिया। अब क्या हुआ? पहली बार जब उस बच्चे ने पिया, पहली बार जब उस बच्चे ने खाया, नियम से उसके अंदर बेचैनी पैदा हुई है। ये कोई बच्चा बताए या ना बताए, उसको चक्कर आएंगे, उसको बेचैनी होगी, उसका पेट खराब होगा, उसे अपने अंदर बहुत ही अनईजी महसूस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पार्टी में गए थे, कल पार्टी का एंजॉय करके आए हैं, इसलिए अब अगर पेट में दर्द भी हो रहा है तो किसी को बताना नहीं, लेकिन नहीं तो कल भी पूछ बैठेगा कोई भाई कहां गए थे, तो फिर पार्टी में जाने नहीं मिलेगा। ये स्थिति जब बच्चे की बन गई तो क्या हो गया? बच्चे के अंदर एक नशा आया, बेचैनी हुई, उसका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये सारी की सारी वैज्ञानिकता वो भूल गया और क्या करने बैठ गया? जो नहीं करने योग्य था वह करने लग गया। अब अगर थोड़ी सी भी गाड़ी, अब ये भी क्या हो गई, ये गाड़ी कहां से, गाड़ी जो है पटरी से उतर गई, सुन रहे हो, गाड़ी चल तो रही है लेकिन अब गाड़ी क्या हो गई, जिस रोड पे ढंग से चलनी चाहिए थी वो उस रोड पे ना चल के अब वो साइड से चलने लग गई, गाड़ी पटरी से उतर गई। गाड़ी का पटरी से उतरना भी असंयम है,
गाड़ी का कहीं पर ठुक जाना भी असंयम है। अब अगर गाड़ी पटरी से उतरी है तो उसको पुनः पटरी पर लाना, गाड़ी कहीं अपनी रोड से हटी है तो पुनः रोड पर लाना, ये अगर संभव हुआ तो आपके लिए वह असंयम भी आपको बचाने में थोड़ा सा हेल्प करने वाला हुआ कि भाई चलो असंयम करके भी आप पुनः संयम पर आ गए। नहीं करने योग्य कार्य करते हुए भी आपने फिर समझ लिया कि यह गलत जगह गाड़ी चली गई, गाड़ी पटरी से उतर गई, पुनः अपनी गाड़ी को वापस लाना, यह भी क्या हो गया। आपको पता है अगर यह करने योग्य है, यह आपके दिमाग में रहेगा तो संयम आपके दिमाग में रहेगा। जब आपके दिमाग में यह आ गया कि यह नहीं करने योग्य कार्य ही करने योग्य है तो फिर आपकी जीवन की सुरक्षा का बीमा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं बना सकती। कोई भी तरह का गलत काम अगर कोई बच्चा कर लेता है तो उसे यह समझ में आ जाना कि यह हमें करने योग्य नहीं था, हमने कर लिया है, तो भी वह माफ करने के योग्य होता है। पहला खून तो सभी कोई माफ कर देता है, नहीं समझ है? पहली गलती हर किसी के द्वारा माफ करने योग्य होती है। गुरुजन भी माफ कर देते हैं, भगवान भी माफ कर देंगे पहली गलती। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चलने का नाम ही जीवन समझते हैं, उसी का नाम मस्ती समझते हैं, उसी का नाम एंजॉय समझते हैं, तो फिर आपको समझाने वाला भगवान भी उतर आए तो नहीं समझा सकता, नहीं आया। आखिर हमारे जीवन की सुरक्षा इन धर्मों से होगी कि नहीं होगी, ये पूछ रहा हूं मैं। कि ये धर्म केवल बस एक दिन का धर्म है, एक दिन हमें संयम की पूजा कर लेने का नाम धर्म है कि भाई उस दिन संयम की पूजा वेदी पे खड़े होकर के ढंग से कर लो, चिल्ला चिल्ला के कर लो, खूब आवाज लगा लगा करके आज हमने खूब संयम की पूजा कर ली है। कई लोगों को तो ऐसा भी, अब इसे भी मैं एक नशा कह सकता हूं, बुरा नहीं मानना, अगर वो संयम की पूजा ना करें तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हमने 10 लक्षण धर्म की पूजा ही नहीं की। यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो आप? ये संयम की पूजा नहीं है जो आप संयम का उपदेश सुन रहे हो। अगर तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है और तुम्हारे दिमाग में इतना भी धर्म का नशा चढ़ चुका है तो यह भी नशा खराब है, यह भी तुम्हें कभी सुधार नहीं सकता है। इसलिए कुछ लोगों को ऐसा नशा चढ़ा रहता है, बस मंदिर जाएंगे, धर्म की पूजा करेंगे, बस वही 10 लक्षण की किताब निकालेंगे और वही 10 लक्षण की पूजा करेंगे जो पंडित जी ने बना दी है, अगर कोई दूसरी भी आ गई तो वो नहीं करेंगे। ये भी हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा नशा होता है। ये नशा कौन उतारेगा? हमें यह समझना चाहिए कि पूजा करने से संयम आ रहा है, कि हमें जो संयम का पाठ सिखाया जा रहा है उससे संयम आएगा। ये संयम का पाठ सीखना ये हमारी पूजा है कि भगवान के सामने उधर चंदन तंदुल करके वो पूजा करके चढ़ा देने का नाम पूजा है? क्या कभी किसी व्यक्ति के अंदर इतनी मानसिकता बन सकती है कि अगर हमने संयम का आज उपदेश सुन लिया है और आज हम अगर संयम की जाप करेंगे और संयम को दिन भर ध्यान में रखेंगे तो हमें संयम की पूजा भी करने की कोई जरूरत नहीं है? अगर संयम की पूजा नहीं करेंगे तो कोई भगवान हमें कोई श्राप दे देगा क्या? क्या हमारे लिए अपराध हो जाएगा क्या? लेकिन ये दिमाग में आपके बैठा है, पूजा जरूर करना है, चाहे स्वाध्याय हो, उपदेश हो, या सुनने में आए या ना आए, संयम भाव के साथ में आज हम दिन भर रहें या ना रहें, लेकिन पूजा जरूर करना है। पूजा करने के बाद में हम सब तरह के असंयम करेंगे, गाड़ी वैसे ही चलाएंगे, भोजन वही करेंगे, वही गलतियां जो हम एकासन में करते हैं जो एक दिन बताई थी वही करेंगे, हर तरीके का अपनी इंद्रियों का असंयम करेंगे, हर तरीके से हम अपनी गाने सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, सब करेंगे, लेकिन पूजा संयम धर्म की जरूर करेंगे ताकि लगे कि एक दिन तो हमने पूजा कर ली है संयम की। ये मानसिकताएं जो अतिरेक के साथ चलती हैं ये भी हमें कहीं ना कहीं भीतर से सुधार नहीं लाने देती हैं और ये भीतर से हमारे अंदर संयम पैदा नहीं करने देती हैं। धर्म हमें जीवन में संयमित बनाता है।
पूजा भी करना है, उपदेश भी सुनना है, हमें समझना है कि आखिर ये संयम धर्म क्या केवल एक दिन धर्म का उपदेश सुनने के लिए है या इस एक दिन के उपदेश से जिंदगी सुधारने के लिए है। हमें अगर इन चीजों की जानकारी नहीं होगी तो हम क्या इस संयम की महत्ता समझेंगे। इसलिए जो हमारे सामने बात आती है डूज एंड डोंट, ये हमेशा हर स्टेप पर हर जगह सिखाई जाती है। अगर आप किसी अच्छी जॉब में भी होंगे और उस जॉब में भी आपके लिए एक एम्प्लॉय की तरह रखा गया होगा तो वहां पर भी ये होता है, इस ऑफिस के अंदर ये होगा ये नहीं होगा, ये ऑफिस के नियम होते हैं। यहां तक कि हर एक अच्छी कंपनी का एक ड्रेस कोड भी होता है, जैसे सरकारी कंपनियों के ड्रेस कोड होते हैं, पुलिस के ड्रेस कोड होते हैं, ऐसे ही हर एक प्राइवेट कंपनियों के भी अच्छी ड्रेस कोड होते हैं। ऐसा नहीं है अब हम जॉब कर रहे हैं, अब हम बड़े आदमी बन गए हैं तो अब हम अपने मन के कपड़े क्यों नहीं पहन सकते हैं। आपको यहां जॉब करने आना है तो आपको यही ब्लू पैंट और यही सफेद रंग की शर्ट पहन करके आना है, यही यहां का ड्रेस कोड है। ये हर जगह डूज एंड डोंट होता है कि नहीं होता है, मैं ये बच्चों से ही पूछना चाह रहा हूं। हम अपने जीवन में हर जगह पर अनुशासन रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हर जगह पर हमारे लिए संयम काम आता है कि नहीं आता है। आपको केवल अपने घर के माता पिता की बातों पर चिढ़ क्यों आती है, जब आपको जॉब करना है तब वहां पर आपको हर डिसिप्लिन को ध्यान रखना होता है। अगर वो जूते पहन करके आना है ऑफिस में तो जूते ही पहन के आना है, अगर चप्पल पहन के चलेगा तो बाहर निकाल दिए जाओगे। देखो जाकर के अच्छी अच्छी कंपनियों में क्या होता है, हर तरीके के नियम होते हैं। और अगर इन नियमों को आप ये समझते हो कि ये हमारी जिंदगी के एंजॉय को कम करने वाले हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी भूल होती है। इंजॉय हम हमेशा तभी कर सकेंगे जब हम सुरक्षा के साथ चलेंगे, और सुरक्षा का मतलब है हमारे सामने दो तरह की लाइनें होना। अब सुनो, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, टाइम बहुत कम हो गया बचा है। हमारे सामने दो तरह की लाइन होना, जब हम रोड पर चलते हैं तो हमारे सामने दो तरह की कूल होते हैं कि नहीं, किनारे होते हैं कि नहीं होते हैं, हमें कहां पर चलना भाई, किनारे से इधर नहीं गिर पड़ना, नहीं तो क्या होगा, गिर पड़ोगे, इधर भी किनारा दिखता है। जब हम चल रहे होंगे तो इधर भी कोई किनारा होगा, हम या तो यहां पर भी कहीं किसी चीज से टकरा ना जाएं, कोई बैरियर ना लगा हुआ हो, दोनों तरफ हमारे जो किनारे होते हैं ये किनारे हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, समझ आ रहा है। इन किनारों के बीच में ही हमको चलना होता है, और इन किनारों के बीच में चलने का नाम ही संयमित जीवन कहलाता है। अगर आपको संयमित जीवन जीना है तो एक नदी की धारा से भी सीखो कि नदी भी हमेशा, कितना ही उसके अंदर पानी क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा किनारों का आक्रमण करके, उसका उल्लंघन करके नहीं बहती है। और अगर वो उल्लंघन करके बहने लग जाती है तो फिर नदी से भी लोग डरने लग जाते हैं, नदी के पास नहीं जाते हैं, और कहने में आ जाता भाई नदी में बाढ़ आ गई है, अब वो नदी नहीं रही है, नदी उफन गई है, समझ आ रहा है। एक आदमी भी आदमी तभी तक रहता है जब तक वो संयम के दो कूलों को सुरक्षित रखते हुए आगे अपना जीवन चलाता है। और जैसे ही उसने वह किनारे तोड़े, उस आदमी से हर कोई डरने लग जाएगा, और वो आदमी के अंदर उफान आ गया तो वह उफान, फिर वह नदी की तरह पवित्रता नहीं रहेगी आपके जीवन में। बाढ़ की कोई पूजा नहीं करता है, पूजा कब होती है नदी की, जब नदी में उफान ना हो, नदी शांत हो, तब उसके किनारों पर लोग जाते हैं, तब उसके लिए लोग आदर देते हैं। और जब बाढ़ आ गई तो बाढ़ तो तहस नहस करने का नाम है, असंयमित जीवन तहस नहस करने का नाम है, और संयमित जीवन नदी की तरह चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने का नाम है। यह संयम है, इस संयम के दो तट बताए गए हैं, सुन रहे हो, ये दो तट क्या हैं, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यावहा शील दयो शील दया तटोर्मी, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। ये उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया
और ये गीता का उपदेश है। संयम की नदी है आत्मा, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, संयम के जल से भरी हुई है। सत्य का जिसमें प्रवाह है और शील और दया दो तटों के बीच में यह नदी बहती है। एक किनारा इसका शील है और एक किनारा दया है, दया धर्म। शील दया तटोर्मी, इसमें डूबो। दूसरी नदियों में डूबने के लिए श्री कृष्ण ने नहीं कहा, श्री कृष्ण ने उपदेश दिया तो किसके लिए? हर समझदार व्यक्ति इसी तरह का उपदेश देगा, आप नदियों में डुबकी मत लगाओ, डुबकी लगाओ अपने संयम की नदी में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत पढ़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में, और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समय अनुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342।